फैमिली किचन। नमस्ते, आज हम बनाएंगे आलू और पनीर के कटलेट। उसके लिए हमने लिया है 50 ग्राम पनीर, 4 उबले हुए आलू और 1-2 चम्मच बड़े कॉर्नफ्लोर। पहले हम सारे उबले हुए आलू को छील के अलग कर लेंगे। अब हमने सारे आलू छील दिए हैं और अब हम आलू को कद्दूकस करेंगे। अब हमने सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसी तरह हम पनीर को भी कद्दूकस कर लेंगे। अब हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करके इसका डो बनाना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गांठें ना रहे। अब हमारा ये कटलेट का डो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तेल डाल दिया। अब हम तेल को गर्म करेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम कटलेट की शेप बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने 1 छोटा चम्मच लिया है, हम उसके अकॉर्डिंग एक शेप के कटलेट बनाएंगे। आप अपनी कटलेट को कैसे भी शेप दे सकते हैं, मैं इनको रेक्टेंगल शेप में बना रही हूँ। यहाँ पे हमने सारी कटलेट बना के रख दिए हैं। अब ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। हम कटलेट को लो फ्लेम में डीप फ्राई करेंगे बिना टच करे हुए। इनको फ्राई होने में 3-4 मिनट लग जाएंगे। अब हमारे कटलेट ब्राउन हो गए, अब इनको टिश्यू पेपर में निकालेंगे। हम कटलेट को टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि वो कटलेट का सारा तेल सोख ले। अब हमारे कटलेट तैयार हो चुके हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अभी हमारे कटलेट तैयार हो चुके हैं और ये अंदर से भी बहुत क्रिस्पी है।